तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मॉडल पेपर के बारे में। आज के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे हिंदी के होने वाले हैं और तुलसीदास जी के हैं, यानी आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं ये सब पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, यानी कि जो बीए फर्स्ट ईयर हिंदी का पेपर आता है उसमें सबसे ज़्यादा तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जायसी जी से, कबीर जी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिए, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो तुलसीदास जी की होने वाली है। लास्ट में अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आई होप तुलसीदास जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो नंबर है 1550, बी नंबर है 1532 और सी नंबर है 1400 और डे नंबर है 1295। जिन स्टूडेंट का राइट आंसर मालूम है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उन सबको आइडिया लगेगा, गेस करने का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, 1532 ईस्वी में। ध्यान देना है आप लोगों को सारे क्वेश्चन को, 1532 ईस्वी में। अगर नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। राइट आंसर 1532 यानी बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? जो तुलसीदास जी हैं उन्हें कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नंबर एक रहीमदास, बी नंबर कुंभन दास, सी नंबर नाभादास, डी नंबर नंददास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर नाभादास जी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जनरली जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लंका कांड, बी नंबर है अरण्य कांड और सी नंबर है बालकांड और डी नंबर है उत्तरकांड। तो जो रामचरित का प्रथम कांड है आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा, जिनको मालूम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है सी नंबर बालकांड, ठीक है। रामचरितमानस में जो प्रथम कांड है उसे बालकांड के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता होता है कि टोटल कितने कांड हैं, ठीक है। जिनको पता है रामचरितमानस में टोटल कितने कांड है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव रामायण में कुल कितने छंद हैं? तो नंबर एक है 30, बी नंबर है 80 और सी नंबर है 50 और डी नंबर है 59, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या, डी नंबर 59, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 61, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन में फाइनली जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना हो, जो भी आपको जानना है थोड़ा आप जल्दी जानें और जल्दी समझें, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर 59 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेनी माधव ने तुलसीदास का जन्म कहाँ माना? जो बेनी माधव जी हैं उन्होंने तुलसीदास का जन्म कहाँ पर माना है? नंबर एक प्रयाग, बी नंबर सोरो और सी नंबर राजापुर और डी नंबर है इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। राजा बांदा, ठीक है, राजापुर बांदा में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिया राम मैं सब जग जानी किस कवि का ध्येय वाक्य है? तो नंबर एक कबीरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर सूरदास, डी नंबर जायसी। तो राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा कि आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर तुलसीदास जी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर तुलसीदास जी। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैंने फिल्टर करके, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे से अगर आप कुछ चीज़ अच्छे से जानना चाह रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? नंबर एक मुनियर विलियम, बी नंबर स्मिथ, सी नंबर ग्रेसन, डी नंबर ग्रीन गिलक्राइस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है क्या होता है, क्या होता है, जिन स्टूडेंट को मालूम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो नंबर एक है अवधी, बी नंबर है ब्रज, सी नंबर संस्कृत, डी नंबर तमिल। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होता है क्या होता है, रामचरितमानस किस भाषा में है, वो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तुलसीदास के मित्र कौन थे?
तो नंबर एक है बीरबल, बी नंबर है कबीर, सी नंबर है रहीम और डी नंबर है अकबर। तो तुलसीदास जी के जो मित्र थे उनका क्या नाम था, वो थे सी नंबर रहीम दास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजाय प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी का जन्म कहाँ माना, नंबर एक मिथिला, बी नंबर नमियास्नान और सी नंबर है सुकर खेत एटा और डी नंबर अवध। तो नेमिसरण ने क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर सुकर खेत एटा में। ठीक है, जो हजाय प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने तुलसीदास का जन्म माना है कि सुकर खेत एटा में हुआ है, किसी ने बांदा में माना है, किसी ने राजापुर बांदा में माना है, ठीक है, किसी ने सुकर खेत में, सबके अलग अलग डिसीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी है, नंबर एक भक्ति भाव, बी नंबर सख्य भाव और डी सी नंबर है दास्य भाव और डी नंबर है माधुर्य भाव। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर दास्य भाव है। ठीक है, दास्य भाव तुलसीदास जी की भक्ति भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा, नंबर एक अमृतलाल नागर, बी नंबर नामवर सिंह, सी नंबर रामविलास शर्मा, डी नंबर कबीर। तो इसका जो राइट आंसर होता है जातीय कवि कहा है, उन्होंने कहा है, किसने कहा है, सी नंबर रामविलास शर्मा जी ने जातीय कवि कहा है। ठीक है, तुलसीदास जी को हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुलसीदास के रामचरितमानस में वक्ता के रूप में कितने घाट हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, तुलसीदास के रामचरितमानस में वक्ता के रूप में कितने घाट हैं, नंबर एक पाँच, बी नंबर सात और सी नंबर है दो और डी नंबर है चार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर। ठीक है, चार होते हैं, ठीक है, चार टोटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहावली की रचना कब हुई, जैसा कि आपको मालूम है हमारे तुलसीदास जी की दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ठीक है, ये सब जो हमारी किसकी कृति है, तुलसीदास जी की है। तो उसमें से जो दोहावली है उसकी रचना कब हुई है, किस सन में हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है क्या होता है, नंबर एक 1707 और बी नंबर है 1250, सी नंबर 1630 और डी नंबर है 1626। तो जो जिस सन में रचना हुई थी वो सन था 1926। ठीक है, 1926 का समय था जब दोहावली की रचना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी मंगल क्या है, नंबर एक मुक्तक, बी नंबर रूपक काव्य, सी नंबर प्रबंध काव्य, डी नंबर गीत कवि काव्य। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या, सी नंबर प्रबंध काव्य। जानकी मंगल आपका एक प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका की रचना कब हुई, अभी मैंने बात ही की थी विनय पत्रिका के बारे में, तो क्वेश्चन भी आ गया कि विनय पत्रिका की रचना कब हुई। दोहोवली की तो आपने जान लिया, अब बात करते हैं विनय पत्रिका की। तो नंबर एक है 1630, बी नंबर है 1900, सी नंबर है 1702 और डी नंबर है 1631। राइट आंसर होता है डी नंबर 1631 ईस्वी में विनय पत्रिका की रचना की गई थी तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये जनरली जानना जब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आए या ना आए ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, फिलहाल कभी कभी पूछ लिया जाता है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, नंबर एक है 15 माह, बी नंबर 2 वर्ष, सी नंबर 11 माह, डी नंबर है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। तो आई होप इसका राइट आंसर आपको मालूम ही होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिनको मालूम है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2 वर्ष 2 माह 26 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की अंतिम रचना, नंबर एक पार्वती मंगल, बी नंबर जानकी मंगल, सी नंबर विनय पत्रिका, डी नंबर कवितावली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि तुलसीदास जी के जीवन का जो अंतिम रचना थी वो कौन थी, किस कौन सी इसने इन्होंने रचना रची लास्ट की सबसे अंत वाली, तो उसका क्या नाम है। तो नंबर एक पार्वती मंगल आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो राइट आंसर इसकी हम बात करते हैं, जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर कवितावली अंतिम रचना थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी मंगल की रचना कब हुई, नंबर एक 1771 से 1771 और बी नंबर 1800 और सी नंबर है 1629 से 1630 तक और डी नंबर है 1200 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या होता है, सी नंबर
1632 से 1630 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो नंबर एक रहीमदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर कृष्णदास और डी नंबर है नरोत्तम दास। तो राइट आंसर आई होप आपको मालूम ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर तुलसीदास, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को अलग अलग क्वेश्चन में सेपरेट अलग अलग बना के आप लोगों तक प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन के जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगी जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैराग्य संदीपनी किस भाषा में लिखी गई है? नंबर एक छत्तीसगढ़ी, बी नंबर ब्रज भाषा, सी नंबर अवधि, डी नंबर कन्नड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है क्या होता है, जो वैराग्य संदीपनी है वो लिखी गई है ब्रज भाषा में, राइट आंसर इसलिए हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर ब्रज भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कवितावली में कितने कांड हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कवितावली में कितने कांड हैं? तो नंबर एक है 8, बी नंबर है 15, सी नंबर है 5 और डी नंबर है 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है कवितावली में कुल 60 कांड है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गीतावली किसकी कृति है? नंबर एक सूर, बी नंबर तुलसी, सी नंबर कबीर, डी नंबर जायसी। तो गीतावली आपको मालूम ही होगा, गीतावली कवितावली विनय पत्रिका। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर तुलसीदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? ठीक है, अभी तक आपने जाना कि विनय पत्रिका क्या है, किस सन में रची गई है, अब हम जानेंगे कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है। नंबर एक अवधि, बी नंबर भोजपुरी, सी नंबर ब्रज भाषा, डी नंबर मगही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है विनय पत्रिका जो रची गई है वो ब्रज भाषा में रची गई, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो एग्जाम में, ये अब जितने भी क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे ये 100% आना ही आना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 99% गारंटी के साथ। ठीक है, नंबर एक है देवदत्त, बी नंबर आत्माराम दुबे, सी नंबर सखार राम दुबे, डी नंबर इनमें से सभी। तो तुलसीदास जी के जो पिता का नाम था वो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आत्माराम दुबे, रट लीजिएगा क्वेश्चन, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के माता का क्या नाम था? नंबर एक रत्नावली, बी नंबर विद्धोत्मा, सी नंबर दयावंती, डी नंबर हुलसी। तो जो तुलसीदास जी की माता जी थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा हुलसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? नंबर एक रत्नावली, बी नंबर गंगा, सी नंबर होलसी, डी नंबर सुनीता। तो तुलसी जी की जो पत्नी थी उनका नाम था क्या था, क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रत्नावली। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। अब आई होप आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा कि पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माता जी का नाम होलसी देवी और तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नंबर एक रहीम, बी नंबर नहरानंद, सी नंबर दादू, डी नंबर मल्लुक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर। ठीक है, राइट आंसर होता है नहरानंद जी थे, दीक्षा गुरु थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीक्षा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? अभी मैंने बात की दीक्षा और शिक्षा दोनों अलग अलग हैं, तो दीक्षा गुरु जो थे कबीरदास जी के वो थे नरहरानंद दास जी, और जो शिक्षा गुरु हैं वो देखते कौन है? नंबर एक दादू, बी नंबर कृष्णदास, सी नंबर शेष सनातन, डी नंबर नंददास। तो तुलसीदास जी के जो शिक्षा गुरु थे वो थे सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा शेष सनातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई थी? तो नंबर एक है 1550, बी नंबर 1623, सी नंबर 1600 और डी नंबर है 1520। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है,
मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, जिन स्टूडेंट को मालूम पहले वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, 5 सेकंड का टाइम है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 1630। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ये आपको पीडीएफ मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगी ये। तो ये आपका अपना फेसबुक पेज है भाई का, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस फेसबुक पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक पेज पे मेरे पहुंच जाएंगे, वहां आप फेसबुक पेज को मेरे लाइक करिएगा, वहीं पर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएंगे देखने को, ठीक है, पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो आप वहां से क्वेश्चन अपनी कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आप कोई भी मॉडल पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिससे भी उनको हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।